परिचय दे दीजिए अपना। संजय जाट, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल, जिला आगरा। संजय जी, आपने ताजमहल को लेकर कुछ घोषणा की है, क्या है मामला पूरा? आगरा के एक इतिहासकार ने आईटीआई के जरिए जो जानकारी मांगी गई है उसमें आज तक के रिकॉर्ड में ना शाहजहां के द्वारा, ना अंग्रेजों के द्वारा और ना भारत सरकार के द्वारा नमाज अदा करने की कोई भी परमिशन नाम की चीज़ नहीं दी गई। फिर आखिर इन लोगों को ताजमहल के अंदर नमाज अदा करने की जो इन्होंने जो परंपरा निकाल डाली, आखिर ये कहाँ से निकाली, किसके आदेश के अनुसार निकाली? जबकि सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश अभी हुए हैं कि ताजमहल के अंदर किसी भी प्रकार की नमाज अदा नहीं की जाएगी। एक बात बताइए, अगर हम लोग आरती करने आते हैं, पूजा की घोषणा करते हैं, तो प्रशासन हमें कानून का हवाला देते हुए और वह जेल भेज देता है, जबकि इन लोगों को नमाज अदा जो कर रहे हैं इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। कल हम लोग पुरातत्व विभाग से जाकर मिलेंगे और उनको एक ज्ञापन भी देंगे कि इनने जो नमाज अदा करी है और ये नमाज अदा करने की परंपरा जो ये डाल रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, कंटम ऑफ कोर्ट का केस भी इनके ऊपर दायर किया जाए। अन्यथा की दृष्टि में राष्ट्रीय बजरंग दल वहाँ पर जाकर पुरातत्व विभाग का घेराव भी करेगा और आंदोलन भी करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है ताजमहल पर नमाज जो हो रही है, जो शुक्रवार की नमाज की परमिशन आज भी, हम ये कह रहे हैं किसी भी किस्म की नमाज की परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्या शुक्र, क्या जुमे और क्या सब्बे रात, कहीं पर भी नमाज अदा की इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। और अगर इनको परमिशन मिलेगी, जब आरटीआई से ये पहले से ही तय हो गया है कि नमाज पढ़ने की कोई अनुमति ही नहीं है, तो ऐसे में पुरातत्व विभाग शुक्रवार को नमाज पढ़ने दे रहा है? पुरातत्व विभाग को, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं, कल हम लोग एक पुरातत्व विभाग को ज्ञापन भी देंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी कि इनके जो आप लोग एक नया कायदे कानून दिखा रहे हैं इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाएं। अन्यथा की दृष्टि में राष्ट्रीय बजरंग दल को भी परमिशन दी जाए, जो कि वो तेजो महल है और तेजो महल के अंदर किसी भी किस्म की नमाज पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, हिंदू रीति रिवाजों में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। और अगर वहाँ पर नमाज अदा होगी तो राष्ट्रीय बजरंग दल भी वहाँ पर जाकर आरती और जलाभिषेक करेगा। वर्तमान में ताजमहल में नमाज पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा बन गया है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ताजमहल में नमाज पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं है और ताजमहल में नमाज किसी के भी आदेश से नहीं पढ़ी जा रही है, ये प्रथा कब हुई, कैसे हुई, ये किसी को भी नहीं पता है। आइए बात करते हैं हम आरटीआई एक्टिविस्ट और इतिहासकार राजकिशोर राजे से, जिनकी आरटीआई में ये रहस्यमय खुलासे हुए हैं। राजकिशोर जी, क्या आपने सूचना मांगी थी और क्या आपको जवाब मिला है? आरटीआई के तहत हमने महानिदेशक पुरातत्व विभाग नई दिल्ली से सूचना चाही थी कि ताजमहल में नमाज किसके आदेश से पढ़ी जाती है, क्या मुगल पीरियड में इस तरह की कोई अनुमति जारी की गई थी, यदि नहीं तो ब्रिटिश सरकार ने इस संबंध में कोई राजाज्ञा जारी की थी, और यदि ब्रिटिश सरकार ने नहीं की थी तो क्या स्वतंत्र भारत में इस तरह की कोई आदेश जारी किया गया। इसके तहत आरटीआई में महानिदेशक के यहाँ से मुझे पत्र प्राप्त हुआ कि ये सूचना जो है उनका प्रकाशन विभाग और स्मारक अनुभाग हमको देंगे। स्मारक अनुभाग ने ये सूचना हमको देने के स्थान पर आगरा के क्षेत्रीय पुरातत्वविद को लिखा कि वो इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं। उनके सूचना अधिकारी ने हमें सूचना दी लिखित में कि इस संबंध में कोई भी जानकारी उनको नहीं है, और स्मारक और प्रकाशन विभाग ने ये सूचना दी कि उनके पास उनके अभिलेखों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार प्रश्न ये उठता है कि जब कहीं कोई जानकारी नहीं है, कहीं कोई आदेश नहीं है, तो ताजमहल में नमाज किसके आदेश पर पढ़ी जाती है, या नमाज के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए कौन अधिकारी या कौन विभाग उत्तरदायी होगा? ये थे राजकिशोर राजे जी, जिनकी आरटीआई के जवाब में विभाग भी परेशान है। विभाग के पास कहीं पर भी कोई अभिलेख नहीं है जो ये साबित करें कि ताजमहल में नमाज पढ़ाई जाने के लिए किसी भी तरह की कोई अनुमति दी गई थी, ना शाहजहां, ना ब्रिटिश काल और ना ही किसी सरकारी अध्यादेश के बाद यहां नमाज पढ़ी जाती है। ऐसे में शुक्रवार को नमाज की रोक या शुक्रवार के अलावा अन्य दिनों नमाज की रोक का कोई औचित्य ही नहीं उठता है। आगरा से अविनाश जायसवाल, ETV भारत।